हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं एक छोटा सा पिकनिक बनाने के लिए, जो कि रामनगर में ही आसपास के क्षेत्र में ही है। और अभी हम मेरे साथ के जो हमारे मित्र हैं वो आगे चले गए हैं, तो मैं थोड़ा गैप हो गया, तो हम जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दिखाते हैं कि आज इसके आगे हमारा क्या होने वाला है और हम लोग आज क्या मस्ती करने वाले हैं, मैं सब आपको दिखा। भाई लोग हमारे यहाँ पे लगे पड़े हैं। ओह क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत ही बल्ले। भाई कैसे हैं, क्या बात, क्या लेके आ रखो तुम्हें सामान सामान? ओ गिटार भी, वाओ क्या बात है यार। हेलो भैया, क्या कर रहे हो? हेलो, ये क्या है भैया? ये सर स्टोव। स्टोव? ये कैसा स्टोव है यार, मैं तो सोच रहा हूँ कोई फूल पकड़ के घूम रहा हूँ। वेरी 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 नाइस भाई, ये तो बहुत गजब है यार। अच्छा, ये हमारी अटेंडिंग टीम है। वेरी गुड वेरी गुड। करो जी, करो पाजी, कर लियो जी। छोटा सा पोर्टेबल, ये हमारा स्टोव रेडी हो गया है दोस्तों। अच्छा, खाना बनाने की तैयारी करेंगे। ओ वाह 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 वाह, ये बहुत प्यारा लग रहा है यार, ये तो छोटा सा स्टोव कितना प्यारा है। बड़ा वाला जो बोला है, ये देखिए किस तरीके का स्टोव लेके आ रखे हैं। भाई लोगों क्या करना है, लो मेरे समझ में नहीं आया। हम लोग चाय बना के पियेंगे यहाँ पे। चाय बना के पियेंगे? अरे वाह, ये क्या है? ये हमारे पास बर्तन है कुछ, छोटा सा कितना अच्छा लग रहा है यार। और ये क्या है, ये क्या लेके आ रखे हो भाई लोगो? अभी देखिए, ये देखिए कितना छोटा सा, ये अल्टीमेट बर्तन है। पानी देना जरा, पानी। ये फ्राइबन का काम कर सकता है, और इसमें जो है ये हमारा ट्रैकिंग बैग का पानी है, मैगी वगैरह बन सकती है। रेडी करने वाले हैं बड़े भाई, बना के दिखाएंगे हमें चाय। चाय ग्रेम, देखिए हमारा पानी साफ है, इधर का पानी गंदा है, तो ये मैं समझेगी हम वाला पानी पी रहे हैं। ये देखिए बड़े भाई ने, गैस जल चुकी है भाई। और ये देखिए जो है स्टोव अपना जल रहा है फर्स्ट क्लास। ये देखिए, और इतना इतना पोर्टेबल है, इतना छोटा है कि हम इसे कहीं भी कैरी करके ले सकते हैं। छोटा सा चूल्हा है, देखिए इतने की चीज में हमारी जो है आज कॉफी बनने जा रही है। हाँ जी, भाई लोगों क्या कर रहा है? अरे ये क्या, फोल्डेबल ग्लास, फोल्डेबल ग्लास है। ये क्या, ये तो कटोरी है। ये तो ग्लास हो गया। ओ वाव, ये कटोरी बन गई और ग्लास बन गया, गजब यार। और क्या, बहुत सारे रखे हैं नाम था भैया, तुम तो पूरी व्यवस्था करके आ रखे हो भाई लोगों। ये देखिए पोर्टेबल ग्लास और कितने छोटे, और ये तो बिल्कुल फुल फोल्डल। कैसे हो रहा है, ऐसे बंद हो जा रहा? अरे वाह, और ऐसे ग्लास बन जा रहा जी, ये तो जादू टाइप का भी हो गया कुछ ही। देखिए मैं बैठ जाऊँ उसमें, टूटेगा तो नहीं है? पानी गिर गया। पानी के लिए क्या लेके आ रखो यार? अरे 5 लीटर का, और ये अरे कुछ नहीं है यार, ये तो बड़ा प्यारा है यार, हैं? और फिर देखिए जरा, दिखाइए तो कैसे होता है। बंद, और ये देखिए इसमें, या बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। बैठता हूँ उसको, टूटेगा तो नहीं? आइए मैं आपको दिखाता हूँ, बिछा के इसको बैठने की कोशिश की जाए। डर भी लग रहा है, बगल में नहर है, नहर में ना घुस जाऊं। और देखिए यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, स्टूल छोटा सा, इतना प्यारा सा स्टूल है, छोटा सा लेके आ रखें बैठने की पूरी पूरी व्यवस्था। ये छोटी बड़ा मजेदार आसान है बैठना भी,
भाई लोगों, ओहो बुलंद जी गिटार बजा रहे हैं। ये भाई देखो चाय रही कॉल और जो गजब यार। ये बन गई चाह। हमारे यहाँ कुमाऊनी भाषा में से चाह कहते हैं। चाह और गुड़बिल रखो क्या पूरा ही देते गुड़बिल आते थोड़ा सा। ये कॉम्बिनेशन है और पोर्टेबल ग्लास पोर्टेबल बर्तन कितना अच्छा लगता है। ऐसे छोटे छोटे जब पिकनिक वगैरह बनाते हैं या थोड़ा आउटिंग करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये बहुत ही छोटा और पोर्टेबल है। आपने साक्षात कर नाम ध्यान आनंद लेते हुए अपना रंजी दार के कलाकार और जो है ट्रैकिंग पे इस समय हम लोग हैं और वापसी का हमारा समय हो चुका है। सभी लोग जो है वापसी की तैयारी में हैं अपने अपने छोटे मोटे सामान लेकर।